नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। AIMIM चीफ और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित आवास पर कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया, जिसका आरोप हिंदू सेना पर लगा है। दिल्ली पुलिस ने तोड़फोड़ की इस घटना की पुष्टि की है। पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि तोड़फोड़ की घटना के बाद पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। 5 बजे करीब कुछ लोग आए, 7-8 लोग, उन्होंने हमला किया, लाइट तोड़ी। हम लोग बाहर आए, हमने सोचा बंदर रहेंगे, मगर बाहर आए तो बाहर से ईंटें फेंक रहे थे बड़ी बड़ी, और उनके हाथ में कुल्हाड़ी जैसी थी जो गेट में मारी और कमरे में मारी, कांच तोड़ दिया, सब तोड़ फोड़ करने लगे वो लोग, ईंटें फेंक, और अपनी वीडियो भी बना रहे थे वो खड़े होके। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर एक सांसद के घर पर इस तरह से हमला होता है तो देश दुनिया में क्या संदेश जाएगा। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, जिसकी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार को जाती है। उन्होंने ट्वीट भी किया जिसमें लिखा, कुछ उग्रवादी गुंडों ने मेरे दिल्ली के मकान पर तोड़फोड़ की। इनकी बुजदिली के चर्चे तो वैसे ही आम हैं, हमेशा की तरह इनकी वीरता सिर्फ झुंड में ही दिखाई देती है। वक्त भी ऐसा चुना जब मैं घर पर नहीं था। गुंडों के हाथों में कुल्हाड़ियां और लकड़ियां थी, घर पर पत्थरबाजी की गई, मेरा नेम प्लेट तोड़ा गया और 40 साल से हमारे साथ काम करने वाले राजू के साथ मारपीट भी की, सांप्रदायिक नारे लगाए गए और मुझे कत्ल करने की धमकी भी दी गई। राजू के घर में रहने वाले छोटे से बच्चे घबराए हुए हैं। झुंड में कम से कम 13 लोग थे, 6 दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं। उम्मीद है कि पुलिस कार्रवाई करेगी। मेरे घर को ये तीसरी बार निशाना बनाया गया है। पिछली बार जब ऐसा हुआ था तब राजनाथ सिंह न सिर्फ गृह मंत्री थे बल्कि मेरे पड़ोसी भी थे। मेरे घर के बगल में ही निर्वाचन सदन है और ठीक सामने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना भी है। प्रधानमंत्री का आवास भी मेरे घर से महज 8 मिनट की दूरी पर है। मैंने बार बार पुलिस को बताया था कि मेरे मकान को निशाना बनाया जा रहा है। अगर एक सांसद का घर महफूज नहीं तो बाकी शहरियों को अमित शाह क्या संदेश देना चाहते हैं। दुनिया को कट्टरता से लड़ने का पाठ पढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी बताएं कि मेरे घर को निशाना बनाने वालों को किसने कट्टरपंथी बनाया। अगर इन कट्टरपंथियों को लगता है कि हम उनसे डर के चुप बैठ जाएंगे तो वो मजलिस को नहीं जानते। इंसाफ के लिए हमारी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी इंशाअल्लाह। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।